हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ईपीआर का गाना आ गया है। गाने का नाम है ये बताओ। और सच बताओ ना, मैं इस गाने के लिए काफी टाइम से वेट कर रहा था, प्रीमियर पे लगा हुआ था, बट मैं सोच रहा था जल्दी आए, बट फाइनली अभी ये गाना आ गया है। और यार ईपीआर की मैं बात करूँ यार, बंदा बहुत बेस्ट है यार। लिरिक्स बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत मीनिंगफुल रहते हैं। अगर आप इनके गानों के अंदर मीनिंगफुल चीज़ें ढूंढोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और साथ साथ मैं फ्लो की बात करूँ तो यार, हिंदी में फ्लो करवा लो, इंग्लिश में फ्लो करा लो, फ्लो बहुत खतरनाक होता है। मैंने ईपीआर को पहली बार जब सुना था, जब एमटीवी हसल्स में पहला परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद मैंने उसके जब पहले के पुराने गाने सुने तो यार मुझे लगा यार वाकई यार बंदे को इस स्टेज पे आना चाहिए था और इतने लंबे समय तक टिकना चाहिए था। शायद विनर होते तो बहुत अच्छा रहता, बट विनर कोई भी हो वो भी अपनी जगह बेस्ट है। बट ईपीआर के बारे में बात करूँ तो यार सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा जो एक होता है ना एक लगाव, वो लोगों को यार ईपीआर से हुआ होगा। और दूसरा है आरसीआर से, इन दोनों को जो सपोर्ट मिला है ना पब्लिक से, वो बहुत बेस्ट मिला है। एमसी बेला अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है, बट मैं चाह रहा था कि यार जितनी भी एमटीवी हसल्स वाले बंदे हैं सब परफेक्ट है, किसी ने किसी को प्लेटफॉर्म बड़ा मिलना चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है कि यार ये टाइम आ गया है, जितनी भी रैपर्स हैं एमटीवी हसल्स के अंदर सबको लोग दबा के प्यार करने वाले। तो फाइनली गाना आ गया है, गाने का नाम है ये बता। तो मुझे नहीं पता कि गाने के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गाना मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो यार प्रीमियर पे लगा होता, पब्लिक कह रही थी भाई फाड़ देने वाला है, आग लगाने वाला है। तो देखते हैं गाने के अंदर ऐसा कुछ क्या है क्या नहीं है। एक बार गाने के लिरिक्स देखेंगे, गाने को सुनेंगे, फिर बात करते हैं गाने के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ईपीआर का ये कहूँगा यार, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। आपने जो किया है ना हिप हॉप के लिए, वो बहुत अच्छा है यार। इतने टाइम से हिप हॉप कर रहे थे, बट फाइनली एक लेवल आ गया है जो आप पब्लिक भाई आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो यार। रेस्पेक्ट है मेरी तरफ से भी। तो फाइनली एक बार गाने को सुनते हैं, फिर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। আমার বাড়ি কলকাতায় আছে, আমার কলকাতাতেই আমার জন্মকর্ম সবই কিছু। 15 বছর বয়স তখন ছিল, আমার সংসার অশান্তি ছিল। এবার আমার স্বামী অত্যাচার করত, তারপরে সে রঙের কাজে নামিয়েছিল আমাকে। ঝগড়া অশান্তি করে বেরিয়ে গেছি, আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে লাইনে নামিয়ে দিয়েছে। Yeah, EPR man, love you, yaar. Sadkon se gayab, vyapare manav, bachche hamare kaha hai bata, ye bata jari hai fashion, bikta hai yawan, roke to kaise, roke ye bata, ye bata. मानव तस्करी का लगभग देश का हर कोई हिस्सा, अधमरी पीड़ितों की दर्द भरी नरक हुई बंधक जिंदगी का किस्सा। हिंसा बल तो योग धोखा दुरुपयोग धंधे में जिस्म फरोशी, घर से दूर दराज के राज्यों में लाकर यौन शोषण, मजदूरी बंद हुआ बंधुगण, बंगाल मामलों में नंबर वन, अवैध व्यापार गुलामी काम काज अज्ञात माँ बाप घर गृहस्थी से जबरदस्ती वैश्यावृत्ति, लड़कियां जबरन शादी अपहरण, नारियों का कुमारियों का सामाजिक असमानता। 21वीं शताब्दी हर 8 मिनट में अगवा एक व्यवसायिक व्यापारी, यहाँ इंसान ही इंसान को पेश करे तस्वीर विचित्र, रिश्तेदार परिवार पड़ोसी चंद रुपयों की अंध लालच ने बुझा दी इंसानियत की ज्योति। सड़कों से गायब व्यापारे मानव, बच्चे हमारे कहाँ है बता, ये बता जारी है शोषण, बिकता है यौवन, रोके तो कैसे रोके ये बता, ये बता। सड़कों से गायब व्यापारे मानव, बच्चे हमारे कहाँ है बता, ये बता जारी है शोषण, बिकता है यौवन, रोके तो कैसे रोके ये बता, ये बता। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय अंतर जाल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिस्म का ये कारोबार मलता है और बटोला इंडस्ट्री, बच्चों की पोर्नोग्राफी, ईंट के भट्टों या सड़कों पे भीख, काट के हर पे तुम्हारी किडनी, काले बाजारों में बिकती यू ही, क्योंकि जब हो डिमांड जब जिसकी मांग, पैदा होते सप्लायर्स, गैर कानूनी काम अंदरूनी कामों से देखो जो नौकरी की लालच, बसने के रास्ते अनेक बचने के कम, अशिक्षा गरीबी, कानून की चुप्पी और चुप्पी पर पूछो हमारे बच्चों की गुमशुदगी, लापता लापता लावारिस, कितने माता पिता कितने प्रभावित, पढ़ने लिखने स्कूल कॉलेज को चले थे, आज नीलामी है उनकी बाजारों में। सड़कों से गायब व्यापारे मानव, बच्चे हमारे कहाँ है बता, ये बता जारी है शोषण, बिकता है यौवन, रोके तो कैसे रोके ये बता, ये बता। सड़कों से गायब व्यापारे मानव, बच्चे हमारे कहाँ है बता, ये बता जारी है शोषण, बिकता है यौवन, रोके तो कैसे
হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে, হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে, হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে। আপ সবই কো ভি জিতনে এপিআর কে ফ্যান্স দেখ রহে হ্যায় উনকো ভি হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে। তো ইয়ার গানে কে আন্দর ইয়ার প্রপার মানে জেসে কি মানে পহলে হি বোলা থা ইয়ার, জব আপ এপিআর কে গানে সুনেগে তো ফুল অন মিনিংফুল গানে হোতে হ্যায় অর এক আগর আপ সমঝ গয়ে না এপিআর কে জো গানে বোলনে কা মতলব, তো ভাই আপকা আইকিউ লেভেল বহুত বড়া হ্যায়, ইস চিজ কা ধ্যান রাখনা। তো ইয়ার লেভেল কি বাত করো তো ইয়ার EPR का लेवल बहुत अलग है यार, फ्लो यार मैंने कहा ना फ्लो देखो आप EPR का, मैं बिल्कुल अलग गाना चल रहा है, गाना चल रहा है उसके बाद अलग ही फ्लो, गाना चल रहा है गाना चल रहा है उसके बाद बिल्कुल अलग ही फ्लो। तो यार मुझे लगा कुछ ना कुछ इंग्लिश के अंदर भी आने वाला है, बट हिंदी के अंदर पूरा पूरा गाना था EPR का। तो यार पहले तो बोलूंगा भाई अच्छा काम किया भाई पूरा हिंदी के अंदर गाना निकाल के, और दूसरा ये बोलूंगा कि भाई कोलकाता के बारे में बताया गया कि कोलकाता के अंदर क्या सीन है। जैसे कि कोलकाता में हमें पता है कि भाई कोलकाता क्या हर जगह इंडिया में कहीं पे भी किसी भी जगह ले लो यार, ये सब तो आम बात है कि भाई रोड पे से गायब हो जाते हैं लोग, जो छोटे छोटे लोग हैं उसको काम कराना स्टार्ट करा देते हैं। तो वही सब चीज़ें बात की गई है EPR में। और यार गाना यार इस गाने को ना कोई बंदा वो नहीं कर सकता कि यार ये गाना बहुत बेकार है, और डिसलाइक जो करेगा ना भाई इस गाने को वो सबसे बड़ा चूतिया होगा मेरे हिसाब से। तो यार गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और यार जो बोलना चाहता था मुझे लग रहा है वो लोगों को पब्लिक तक बहुत आराम से चीज़ें वो पहुँचने वाली है, और EPR भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं कह रहा हूँ यार हर एक रैपर को आज के टाइम में जितने भी रैपर हैं, पार्टी वाले सॉन्ग बनाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस करो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस टाइप के गाने हर एक रैपर को निकालने चाहिए। क्योंकि यार समाज के अंदर हिप हॉप मतलब क्या होता है, जो आपके आसपास चीज़ें हो रही है उस चीज़ को बताना। तो आजकल वो लोग तो बता रहे अपने स्टार्टिंग टाइम में, उन्होंने बताया, लेकिन जब धीरे धीरे उनको फेम मिलना स्टार्ट कर दिया तो वो अपने एक जो वो जोन था जो हिप हॉप मतलब होता है कि अपनी आवाज़ उठाना, और ये जैसे EPR ने अपनी आवाज़ उठाई कि यार क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी बड़े बड़े रैपर्स हैं उनको आज भी इस तरीके के कुछ ना कुछ गाने निकालने चाहिए कि यार आसपास के एरिया में क्या चल रहा है लोगों को पता होना चाहिए। तो यार कोलकाता के बारे में काफ़ी कुछ बताया, तो काफ़ी कुछ पता भी है कोलकाता। वैसे कोलकाता के बारे में बात करूँ तो यार अभी भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया कोलकाता, और ये सीन फिर भी कहीं पे भी इस चीज़ को कहीं पे भी कंपेयर करोगे तो यार ये चीज़ वहाँ मिली जाएगी आपको जो EPR ने बोलने की कोशिश की गई है। और गाना मुझे बहुत प्यारा लगा, एक्सीलेंट गाना है गाना। तो यार यार EPR का फ्लो ही मुझे बिल्कुल अलग लगता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। तो यार अगर आपको गाना अच्छा लगा है तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और गाने की अच्छी लाइन क्या लगी वो मुझे ज़रूर बताना, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका EPR को लेके वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको गाना पसंद आया है, मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी बाय बाय, लव यू, प्यार फैलाओ यार।